कुरुंगकुमे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे 3 पुलिस स्टेशन्स हैं, यापिन, संग्राम और कोलोरियांग। लेकिन यहाँ जो नंबर ऑफ केसेस आपका बहुत कम है, यापिन में तो 0 केसेस है, संग्राम में भी 1-2 केसेस ही है, कोलोरियांग में भी काफ़ी कम है। तो ओवरऑल यहाँ का लोग जो है लॉ अबाइडिंग है, बहुत मेहनती लोग रहते हैं, सब कानून को इज्जत करते हैं, और इस हिसाब से आपका लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ कोई इश्यूज़ नहीं है, पीस है। तो यहाँ पे केसेस, जैसे मैंने बताया, केसेस कम हैं, पेट्रोलिंग करवाते हैं। मैंने तीनों पुलिस स्टेशंस को हमने ऑर्डर दिया है कि रेगुलर पेट्रोल डे नाइट पेट्रोलिंग करें, और स्पेशली जो आजकल ड्रग्स जो है हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है, तो इसके चलते हमने यहाँ पे भी यहाँ भी हमने मुहिम चला रखा है। हम लोगों से जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं, जुड़ते हैं स्टूडेंट्स और आपके जो विलेजेस में और बाकी NGOs, CBOs सबके साथ मिल के हम इस ड्रग जो आपका मिनेस है, ड्रग एब्यूज़, इसके ऊपर में हम काम कर रहे हैं। सर, लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुरुंगकुमे जब बोलते हैं बहुत डरते हैं सर यहाँ आने के लिए, तो यहाँ में ऐसे क्या चीज़ है सर लोग बहुत डरते हैं, जैसे कि बाहर से ईटानगर कैपिटल से कोई आने नहीं मांगता है सर, जो विजिटर्स है? नहीं, देखिए कुछ 1-2 इंसिडेंट्स हुए होंगे पहले, अदरवाइज़ मैं तो देख रहा हूँ और मुझे पता है यहाँ तो इट्स बहुत ही अच्छा जगह है। आपका कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई आउटसाइडर्स का कोई उस टाइप का थ्रेट है। तो इतना अच्छा जगह है आपका, नेचुरल ब्यूटीज़, रिवर्स, माउंटेन्स, यहाँ पे इतना अच्छा है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे आप लोग घूमने के लिए कोई आना चाहता है तो कुरुंगकुमे में आना चाहिए, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस।